जी। लेकिन पुलिस क्या करती है, जब वहां जाती है तो दोनों पक्षों से बात करती है और दोनों पक्षों से पैसे ले लेती है जी जी। और इसके बाद क्या करती है कि वहां मामला में कोई समाधान न हो ऐसा कुछ करके चली आती है जी जी। और ऐसा कुछ करके वापस आने के बाद झगड़े होते हैं जी। और फिर जब झगड़ा होता है तो अगले दिन पुलिस जाके दोनों को पकड़ती है और 151 में चालान करती है। तो 151 का चालान दिखा करके पुलिस ने अपनी छवि को सुधार लिया। नमस्कार दोस्तों, आज हूँ मैं अपने गृह जनपद बलिया के कोर्ट परिसर में। और आज कोर्ट परिसर में आने के बाद बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे हमारे दिमाग में दोस्तों, कि कुछ जिनका उत्तर जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं दे पाता। तो हमने एक वकील साहब को थोड़ी सी तकलीफ दी और बहुत निवेदन किया, तो उन्होंने अपने कीमती समय में से 10 मिनट समय निकाला है। हम उनका धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपने हमारे चैनल के लिए 10 मिनट का समय निकाला। हम जो वर्तमान में समस्याएं चल रही हैं दोस्तों, न्यायिक प्रक्रिया में जो देरी होती है, इसके लिए रोज़ अखबारों में आता है कि लोगों को शीघ्र न्याय मिलना चाहिए। सरकारें कहती कह रही हैं और सदियों से कहती आई है, सदियों से कहती हुई है। तो ये सब सरकारें जो है उस तरीके का स्टेप नहीं उठा पा रही, उस तरीके का कदम नहीं उठा पा रही, या क्या मजबूरी है जिसकी वजह से लोगों को न्याय में देरी मिलती है। दूसरी बात, हम ये देखते हैं कि जगह जगह, चाहे हमारा जिला हो, चाहे पूरा उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूरा इंडिया हो, कहीं ना कहीं जमीन से संबंधित मामले, मारपीट के मामले, चोरी डकैती के मामले, इस तरीके के मामले जो है वो इतने ज़्यादा लोड जो है वो न्यायालय पर आ गया है कि कहीं ना कहीं न्यायालय भी परेशान है। यदि 100 केस का निपटारा होता है तो 2000 नए केस आ जाते हैं। तो दोस्तों, हम आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं बलिया सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज राय हंस जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, आप जो समस्या बताए, ये समस्या का जन्म दो कारणों से होता है जी। पहला कारण ये है कि जो राजस्व से संबंधित मामले आते हैं, यानी जमीन से संबंधित जी जी, ये पहले जब कोई भी समस्या होती है तो लोग पुलिस के पास जाते हैं जी जी। पुलिस का आला अधिकारी या हमारे जिले का जिला अधिकारी, ये लोग एक आदेश करते हैं राजस्व निरीक्षक और संबंधित थाने के अधिकारी से मिल करके जा करके उस जमीन संबंधी समस्या का निपटारा करें जी जी। लेकिन होता क्या है जी, पुलिस वाले और राजस्व निरीक्षक की टीम जी वहाँ जाती भी नहीं है और ना ही जाकर स्थलीय निरीक्षण करती है, ना ही उस समस्या का निपटारा करती है। इसका परिणाम ये होता है कि वो व्यक्ति कुछ दिन दौड़ता है, इसके बाद वो सिविल कोर्ट में जाके फाइनली एक मुकदमा दाखिल कर देता है जी जी। तो एक मुकदमे कोर्ट में, जो मुकदमा जाना ही नहीं चाहिए जी। अगर कुछ किसी व्यक्ति के द्वारा कोई जमीन खरीदी गई तो उसकी जमीन कहाँ है, ये प्रशासन का काम है कि जमीन को जा करके मेजरमेंट करे और मेजरमेंट करके उसका ईंट गाड़ के बता दे कि ये तुम्हारी जमीन है। अगर कोई उसमें विरोध करता है तो उसको पकड़ करके थाने में बंद करे, लेकिन पुलिस ऐसा काम नहीं करती है। तो इससे एक कोर्ट पे मुकदमों का बोझ बढ़ता है। दूसरा मामला है जो आपने बताया कि मारपीट जी, मारपीट होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के लोगों से किसी के घर के लोगों का मारपीट हो गया, तो उस घर के मुखिया को जी, या अगर आपके पत्नी से झगड़ा हो गया जी, कि कोई आके आपकी पत्नी को मारा जी, तो उस झगड़े में अगर आपकी पत्नी शिकायत करने कोतवाली में गई या थाने पे गई जी, तो वहां पे कोतवाली पे जाते ही पहले उसके पति को बुलाया जाता है जी। पति आ गया तो जो मारपीट किया है फिर उसको बुलाया जाता है और दोनों को पकड़ के 151 में चालान कर दिया जाता है, लेकिन FIR दर्ज नहीं की जाती जी। अब फिर क्या होता है यहाँ भी, तो यहाँ भी वही होता है कि दोनों पक्ष न्यायालय में पहुंच जाते हैं जी। तो ये दो मुकदमे हो गए। अगर जिसने मारा, पुलिस को प्राइमे फसाई, उसको पकड़ के उसके खिलाफ FIR करना चाहिए, उसको बंद करना चाहिए जी। लेकिन पुलिस ऐसा नहीं करती, पुलिस दोनों पक्षों को बंद करती है ताकि कोई थाने में न आए डर के मारे जी जी। तो ये हमारे उत्तर प्रदेश की हालत है, बलिया जनपद की मैं नहीं कर रहा हूँ जी जी। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रशासन यही कर रहा है। एक अलग से अपनी छवि को साफ बनाने के लिए बुलडोजर एक चल रहा है जी जी। वो भी बुलडोजर कहाँ चल रहा है जी, बिना मतलब का किसी ऐसे व्यक्ति का, किसी निरीह व्यक्ति का या किसी अपराधी का कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है जो अवैध बनाए हैं उनका कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे प्रशासन की छवि को कितना साफ करेंगे जी। गरीब को न्याय नहीं मिल रहा है। गरीब को न्याय तब मिलता जब उसको सिविल कोर्ट में जाके फौजदारी और दीवानी के मुकदमे नहीं करने पड़ते, क्योंकि मुकदमा करने के पहले 500 बार फरियादी जिलाधिकारी के यहाँ जाते हैं, SDM के यहाँ जाते हैं, लेखपाल के यहाँ जाते हैं, तहसीलदार के यहाँ जाते हैं, SP के यहाँ जाते हैं। कल ही की बात ले लीजिए, एक महिला अकेले जिस जो विधवा है, उसके आगे पीछे कोई नहीं है जी जी, और उसको मारा पीटा गया, उसकी वीडियो है, सब कुछ लेकर के कुछ लोग गांव के और उस महिला को लेकर थाने पे गए, गांव वालों के सामने गांव वालों को भी गाली दिया गया उभाव थाने के द्वारा, और उस महिला को भी गाली देकर के भगा दिया गया। वो महिला मेरे पास आई, मैंने एक दरखास्त लिखवाया, मैंने SP साहब के आवास पे भेजा कि जाके वहां बैठो, कभी भी तो आएंगे जी जी। SP साहब आए, SP साहब थाने को आदेश भी कर दिए कि इनको मैं थाने पे भेज रहा हूँ, इनका मुकदमा दर्ज किया जाए जी। महिला वहां गई जी, तो महिला जो दरखास्त लेके गई वो मुकदमा दर्ज नहीं किया गया जी जी। एक हल्का मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जहां से सारे अभियुक्तों को वहीं से छोड़ दिया गया।
हाँ देखिए वकील साहब, एक बात और है, बहुत अच्छी बात आपने हमको बताई कि आखिर क्या बेसिक कारण है अपराध बढ़ने के। जमीन से संबंधित मामलों में हम अक्सर ये देखते हैं कि पुलिस जो है जब बहुत ज़्यादा घेरे में आती है तो ये कहती है कि राजस्व का मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, शांति व्यवस्था भंग होगी तो हम कुछ करेंगे। तो यदि किसी का जमीन से संबंधित मामला है और वो पुलिस को बुलाता है तो जब तक दोनों का सर नहीं फूटेगा पुलिस काम नहीं करेगी? नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं है? ऐसी व्यवस्था है लेकिन हमारी पुलिस नहीं कर रही है। व्यवस्था तो ये है कि वहाँ न किसी का सर फूटे और न किसी का जमीन छूटे और तुरंत बाउंड्री लाइन वहाँ पे क्लियर हो जाए। राजस्व निरीक्षक की टीम भी पुलिस की सहयोगी टीम है जो मेजरमेंट करती है जमीन का। जी जी। अब पुलिस वहाँ खड़ी रहेगी तो किसकी हिम्मत है कि आपकी मतलब आपके सामने चू चपड़ करेगा? जी जी। लेकिन पुलिस क्या करती है, जब वहाँ जाती है तो दोनों पक्षों से बात करती है और दोनों पक्षों से पैसे ले लेती है। जी जी। और इसके बाद क्या करती है कि वहाँ मामला में कोई समाधान न हो ऐसा कुछ करके चली जाती है। जी जी। और ऐसा कुछ करके वापस आने के बाद झगड़े होते हैं। जी। और फिर जब झगड़ा होता है तो अगले दिन पुलिस जाके दोनों को पकड़ती है और 151 में चालान करती है। तो 151 का चालान दिखा करके पुलिस ने अपनी छवि को सुधार लिया। जी। समस्या जस की तस। जी। जमीन उसकी घिरी नहीं। जी। तो अब क्या करेगा? न्यायालय में जाएगा। जी। पैसा खर्च करेगा। जी। और बिना मतलब का एक मुकदमा जो न्यायालय का बोझ बनेगा। जी। और उसी में फिर फौजदारी मुकदमे होंगे। जी जी। तो पुलिस प्रशासन समस्या सुलझाने के लिए आजकल काम नहीं कर रहा है। जी। समस्या उलझा करके एक समस्या को उलझाता है तो उसमें तीन मुकदमे होते हैं। जी। एक सिविल का। जी। एक फौजदारी का। जी। और एक रेवेन्यू का। जी। तो एक समस्या को अगर पुलिस अपने स्तर से सुलझा देती या राजस्व निरीक्षक की टीम तो ये तीन मुकदमे जो न्यायालय में होंगे वो नहीं करने पड़ते और न्यायालय पर मुकदमों का बोझ नहीं बढ़ता। अब बताइए FIR करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के योगी जी कह रहे हैं जीरो टॉलरेंस नीति पे है। जी जी। कि अगर कुछ भी घटना हुआ आप थाने पे जाइए। जी। आपका FIR दर्ज होगा। जी। हो रहा है? नहीं। किसी का FIR दर्ज नहीं हो रहा है। सारे लोग अब उसी के लिए 5000 खर्च करेंगे और फौजदारी में आएंगे और 156 के 3 के तहत उनका मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोई ना कोई वकील काम करेगा। हम नहीं चाहते हैं ऐसा पैसा हम कमाएं। जी। लीगलिटी से हम पैसा कमाएं, ये भी लीगल ही है। जी। लेकिन अगर पुलिस कर देती तो उस फरियादी का 5000 रुपया बच जाता, 156-3 में वो पैसा उसको खर्च नहीं करने पड़ते, FIR तुरंत देन एंड देयर 1 घंटे के अंदर हो जाता, जिसके लिए हमको 6 महीने समय भी लगाने पड़ते हैं और वहां पे उसको खर्चे भी करने पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, वकील साहब ने बड़ी मजबूती से अपनी बात रखी और इन्होंने पूरा बेसिक निचोड़ निकाल करके रख दिया कि यदि पुलिस अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से करे, यदि राजस्व विभाग के अधिकारी अपने कर्तव्य का निर्वहन सही तरीके से करे तो कहीं ना कहीं ये समस्या रही नहीं जाएगी और न्यायालयों पर बढ़ता हुआ काम का बोझ कम होगा। क्यों सर? बिल्कुल, न्यायालय पर मैंने कहा ना तीन मुकदमे। जी। ये बिना मतलब के। जी जी। सपोज दैट आप एक जमीन कहीं खरीदे। जी। कागज से सही थी जमीन। जी। जमीन आपको जितना उसका हिस्सा था वो दिया। जी। उसके हिस्सेदार। जी। की जमीन उसी में होगी। जी जी। हमारी जमीन कहीं तो होगी। जी जी। उसको निकाल दिया जाए तो फिर हिस्सेदारों की भी जमीन निकाल दिया जाए तो वो हिस्सेदार किस बेस पर विरोध करेंगे? जी जी। लेकिन वो हिस्सेदार विरोध करते हैं क्योंकि पुलिस करवाती है। जी जी। और मैं चूंकि मारपीट नहीं करना चाहता हूँ, इससे बचना चाहता हूँ, तो मुझे मजबूर किया जाता है। अगर मैं मारपीट नहीं करता हूँ तो भी वो मुझे मारेंगे। जी। तो फौजदारी हो गया। जी। और फिर फौजदारी होगा तो मैं जमीन को कब्जा करने के लिए दीवानी में जाऊंगा, रेवेन्यू कोर्ट में जाऊंगा। जी। तो मुकदमे मुझे करने पड़ेंगे क्योंकि मैं लड़ना नहीं चाहता, मैं कमजोर हूँ। जी। या मेरे पास जैसे लाठी का बल नहीं है, उनके पास लाठी का बल है। जी। तो पुलिस इसीलिए तो रखी गई है ना कि हम शांति व्यवस्था कायम करेंगे। इसका मतलब क्या? दबंग से कमजोर को बचाएंगे। जी जी। इसीलिए ना। जी जी। क्योंकि दबंग इसके साथ दबंग, अगर मेरी जमीन नहीं है, मुझे लिख के कोई शासन प्रशासन का आदमी दे दे कि जमीन आपकी यहाँ नहीं है, यहाँ है, मैं वहीं घेर लूंगा। जी जी। लेकिन मेरी जमीन अगर लीगल तरीके से ली गई है, मैंने अगर हवा में नहीं लिया है, तो वो जमीन राजस्व निरीक्षक की टीम की जिम्मेदारी है और प्रशासन की जिम्मेदारी है कि वो कोई भी जा करके मुझे निकाल कर दे कि यहाँ तुम घेरो, हमारे सामने कौन बोलता है मैं देखता हूँ। जी जी। अगर ये जिस दिन पुलिस ये काम करना शुरू करेगी उस दिन जिला में और पूरे प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की जो नीति है ना वो चलने लगेगी। लेकिन ये पुलिस किसके लिए काम कर रही है? प्लाटरों के लिए। यह काम जो होना चाहिए सबके लिए, ये केवल और केवल प्लाटरों के लिए और भूमाफियाओं के लिए पुलिस काम कर रही है। भूमाफिया जाइए झगड़े वाले जमीन खरीद लेते हैं जिसपे 100 सालों से दीवानी चल रही है। जी जी। और पुलिस जाके वहां अपने दम पे घेरवा दे रही है पूरी जमीन और न्यायालय में मुकदमा चल रहा है। जी। इसके बावजूद पूरी जमीन घेरवा दे रही है और वो प्लाटर और वो भूमाफिया उस पूरी जमीन को प्लाटिंग करके बेचने में कामयाब हो जाता है और करोड़ों रुपया कमा करके वहां से चला जाता है। तो क्या समझते हैं उस करोड़ों में से लाखों पुलिस को नहीं मिलते होंगे? जी जी। देखिए दोस्तों, सीधा सीधा आरोप
सीधा सीधा आरोप वकील साहब ने पुलिस की कार्यप्रणाली पर लगाया है। इस संबंध में मैंने आईपीएस सुभाष दुबे का, जो कमिश्नर हुआ करते थे आपके बनारस के, उनके एक इंटरव्यू के दौरान मैंने एक बात सुनी थी वकील साहब, कि पुलिस को जो पीड़ित पक्ष है, मान लीजिए दो व्यक्ति झगड़ा करके आए हैं और जो पीटा गया है, जिसको मार लगी हुई है, उसको जो है थाने में बिठाने का अधिकार आपको नहीं है। आप उसको थाने में भी नहीं बिठा सकते, आप उसका शांति भंग का चालान भी नहीं कर सकते। लेकिन हमारे ज़िले में या पूरे उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली जो है पुलिस की, दोनों पक्षों को उठा करके हवालात में बंद या फिर थाने के बाहर बैठा दिया और उसके बाद दोनों के ऊपर चालान हो जाता है। तो इसके ऐसे मामले जो आते हैं तो इसकी शिकायत कहाँ करें भाई? देखिए, जो कोतवाल है जी, और उसी के खिलाफ शिकायत करेंगे तो उसी के पास जाएगी जी जी, तो आपकी सुनवाई होगी क्या? नहीं नहीं, तो इसके लिए पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी है ना। इतने समझदार लोग नहीं है ना भारतवर्ष में। हाँ, भारतवर्ष में जो पीड़ित है जी जी, वो अनपढ़ है जी, वो गंवार है जी जी। जब वो वकील के पास जाता है तो वकील उसे समझाता है जी जी, जबकि ये काम पुलिस का है जी जी, पुलिस उसको समझाए। आपने कहा ना कि पुलिस थाने में नहीं बिठा सकती जी, अब मेरे पास सैकड़ों मामले हैं जिसमें पुलिस ने 151 में चला दिया। रोज 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 हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं योगी जी? योगी जी कहाँ हैं जी? योगी जी को नहीं दिख रहा है जी? मैंने कहा तो कि जो भी उत्तर प्रदेश की पुलिस है जी, वो केवल भूमाफियाओं को भूमि कब्जा कराने के लिए जो नियम है जी, असली नियम, उसके विरुद्ध भी जाकर के काम करती है जी। लेकिन अगर आप दबंग नहीं है, आप एक जनसाधारण है या एक आम जनता है या एक वोटर है जी, जिसकी कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, उसके पास पावर नहीं है ना पैसे हैं जी, तो उसका काम नहीं होगा। क्योंकि पुलिस का एकलौता काम रह गया है, पुलिस ही ऐसा विभाग है जी जो दोनों पक्ष से पैसा लेता है जी। पीड़ित से पैसा इसलिए लेता है कि तुम्हारा FIR दर्ज करेंगे जी, और जो पीड़ित नहीं है उससे पैसा इस बात के लिए ले देता है कि ऐसी धारा लगाएंगे कि तुम कोर्ट में जाते ही छूट जाओगे जी, और दोनों लोगों से पैसा लेते हैं जी, और तब जाकर के FIR दर्ज होता है जी, और नहीं तो FIR तो ऐसे दर्ज होता ही नहीं। गजब गजब गजब, वकील साहब ने बहुत बेबाकी से अपनी बात रखी दोस्तों। और समस्याएं तो हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस की हो या आपके राजस्व के जितने भी कर्मचारी हों, अधिकारी हों, उनकी हो, इन सबसे लड़ने के लिए एक साधारण व्यक्ति को आज भी 1861 के बने हुए IPC का सहारा लेना पड़ता है। ये अंग्रेजों के कानून का सहारा, गलत कह रहा हूँ सर? बताइए, आप तो खुद ही बता दिए, 1861 की पुलिस किसकी पुलिस थी? अंग्रेजों की पुलिस। ब्रिटिश हुकूमत इसलिए पुलिस बनाई थी कि इंडियनों को कंट्रोल किया जाए, कैसे इनको, मतलब इंडियन तो उसके थे नहीं जी, उन पे शासन करना था जी जी, बिना विदाउट एनी कानून जी जी जी, मतलब वो कानून ऐसे बनाए गए थे जिससे कि जिसको मन करे उसको हम पकड़ें। कोई भी वही कानून आज जो हमारे जो गोरे अंग्रेज गए, तो जब काले अंग्रेज शासन पे आए तो उनको भी लगा, जबकि ये काले अंग्रेज गोरे अंग्रेजों के सारे कानूनों का विरोध कर रहे थे, लेकिन जब ये सत्ता की कुर्सी पे बैठे तो इनको लगा यार कानून तो बहुत अच्छा है जी जी, सारे लोग हमारे कंट्रोल में रहेंगे, अगर हटा दिया तो गड़बड़ हो जाएगा। अब बताइए, 200 साल 300 साल वर्ष पुराना, क्या हमारे यहाँ विद्वानों की कमी है? क्या उस कानून में कोई संशोधन नहीं हो सकता? मैं उनको बताता हूँ, अभी बैठे बैठे आपको बता दूंगा ऐसे संशोधन जो पुलिस 2 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगी। लेकिन कोई प्रदेश की सरकार पुलिस एक्ट में संशोधन नहीं करना चाहती, क्योंकि पुलिस उसकी लठैत के रूप में काम करती रहे जी, जैसे अंग्रेजों की लठैत अंग्रेजों की पुलिस थी, उसी तरह से ये काले इंडियनों की लठैत ये पुलिस है जी जी, आपकी पुलिस नहीं है जी, ये आपका भ्रम है कि आपकी पुलिस है और आपके लिए काम कर रही है जी, ना एकदम भ्रम निकाल दीजिए जी, ये उत्तर प्रदेश शासन के लठीधर हैं लोग जी, ये पुलिस वाले जी, और उत्तर प्रदेश शासन जिस इशारे पे काम कराना चाहता है उस इशारे पे ये काम करते हैं जी, कोई भी आए जी, आज भाजपा है तो उसके तरह से काम करेंगे, कल सपा है तो उसके तरह से काम करेंगे, परसों बसपा आएगी उसके लिए काम करेंगे, ये आम जनता के लिए काम नहीं करते। आम जनता के लिए काम करते तो थानों में आज पानी पीने की व्यवस्था होती, वादकारियों को चाय पिलाया जाता, जो पीटा गया है उसको मरहम पट्टी कर रखाया जाता और उसको बिना चालान कराया घर गाड़ी से पुलिस छोड़ती जी। यहाँ पर तो फरियादी फरियाद करने आ गए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई कि फरियाद करने आ गए? अब चलो बेटा 151 में। अच्छा, ये शांति भंग की जो धारा है 151 आप जो बोल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि पुलिस वालों को दहेज में मिली है क्या? नहीं नहीं, ये पुलिस वाले क्या करते हैं ना कि जैसे मान लीजिए आगे कोई अप्रिय घटना होने वाली है, 302 ही हो जाए जी, 376 ही हो जाए जी, तो पुलिस दिखाएगी उसमें आगे चल के कि मैंने इस मामले को पहले भांप लिया था और मैंने दोनों पक्षों को चलान करके मैंने शांति निवारण के लिए प्रयास किया था जी। कितना गुड प्रयास, अपने बचाव के लिए, अपनी छवि को सुधारने के लिए पुलिस काम कर रही है, जबकि इनकी छवि इतनी गंदी है जी। पुलिस जिस दिन किसी भी प्रदेश की पुलिस सुधर गई जी, उस दिन लॉ एंड आर्डर जी के लिए कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग शहरी हैं जो कानून का उल्लंघन करना ही नहीं चाहते जी,
लेकिन अगर सामने वाला आपके साथ मारपीट करने पे उतारू है तो उस समय आप बच के भागने के अलावा क्या करेंगे आप बताइए? और भागते समय भी आपको अगर पीटा जाए तो आप कहां जाएंगे? लेकिन जब पुलिस काम करने लगेगी सही तरीके से तो कोई आपको मारने के लिए आपका पीछा नहीं करेगा जी। आपके साथ दबंगई नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि दबंगई किए, अरे बुलडोजर चलवा रहे ना, दबंगों के खिलाफ भी कार्रवाई करना शुरू करो ना ऐसे ही जी जी। जो गरीबों का जीना दुश्वार कर दिए हैं, जो जिसके पास पैसे नहीं है, वो मान लीजिए अगर शहर में जैसे बाढ़ एरिया से कुछ लोग आकर के यहाँ जमीन खरीदे हैं, वो जमीन खरीदने के बाद उस जमीन पर 10 वर्षों से जी वो जिलाधिकारी के कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं और उस जमीन पर घर नहीं बना रहे हैं, किराए पे यहाँ रहने के लिए मजबूर हैं, और बाढ़ एरिया में उनका सब कुछ नष्ट हो गया है जी। वैसे लोग, अरे वो सरकार से तो कुछ नहीं मांग रहे सहायता जी। अगर अपनी कमाई से पैसे से जमीन खरीदे हैं, अगर वो पुलिस प्रशासन के लोग जाके वो जमीन निकाल देंगे तो वहाँ वो झोपड़ी बना के रहेगा ना जी। लेकिन नहीं, वो मुकदमे का चक्कर लगा रहा है, न्यायालयों के चक्कर लगा रहा है, अधिकारियों के चक्कर लगाने के बाद। देखिए दोस्तों, आज़ादी के 75 सालों के बाद भी यदि हमारे पुलिस की कार्यप्रणाली पर इस तरीके के प्रश्न चिन्ह लगाने पड़ते हैं या लगते हैं, ये कोई नई बात नहीं है, बहुत लंबे समय से लगते हुए आ रहे हैं, तो अपने आप में बहुत शर्म की बात है। अपने आप में शर्म की बात ये भी है कि पुलिस के सुधारों के लिए आज तक किसी भी सरकार ने जो है वो उल्लेखनीय काम नहीं किया। अखबारों के पन्ने रंग देने से या टीवी पर आके बोल देने से किसी तरीके की कानून व्यवस्था नहीं सुधर सकती। हम बहुत ज़्यादा समय ले चुके हैं वकील साहब का, फिर कभी बात करेंगे। मैं हूँ हरिओम श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल यूनिक न्यूज़ 1। बहुत बहुत धन्यवाद।